एक तो थे देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आपका हार्दिक धन्यवाद। भाई हाल कुछ ऐसा है आज का कि सब सामान हमारा पूरा पड़ा हुआ है और ये फाइल ट्रांसफ़र भी हो रही है, सब कुछ ऐसा बिखरा पड़ा है। अभी इसको समेट के पैक कर देते हैं और आज वो दिन आ गया यार, हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर कानपुर, क्योंकि ये ट्रिप ज़्यादा लंबी नहीं थी, कुछ अभी एक प्रैक्टिस थी हम लोग की, तो जाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जा रहे भाई। हल्का सा नाक में भारीपन हो गया है और सीन कुछ ऐसा है भी, प्रिंस भाई मेरी जैकेट पैक कर रहे हैं क्योंकि मुझे पैक करना नहीं आता है, क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं पैक करना। क्यों? मैंने भी नहीं सीखा कभी। तो खजूर खा रहे हैं सुबह और काजू बादाम भी पैक रखे हैं, क्योंकि लड़का जब पहले ही बार घर से निकलता है तो माँ भर भर के खाना रखती है। तो हम लोग बाइक से आए इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं रखा था, लेकिन इतना भी कम नहीं रखा था, कचौड़ियाँ थी आने में, अब वही कमी खलेगी क्यों जाने में। जाने घर का खाना भाई, और माँ के प्यार के साथ साथ पिताजी का भी प्यार है, क्योंकि पिताजी ने पूरी काजू कतली पैक करके रख दी थी। तो इन सब चीज़ों में सबसे महंगी चीज़ जो हम यहाँ से ले जा रहे हैं वो ये है, जो बहुत काम आया है, खरीदना पड़ गया भाई, लेना ही था वहाँ से, तो अच्छा ही रहा। तो भैया अब हम तैयार हैं और यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज की, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करनी है ब्लॉग की शुरुआत। अब चलते हैं नीचे की तरफ। ठीक है भैया, तो कैसे लगा हमारा पहाड़ी अंदाज़? बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा होटल था। तो आप भी आइए होटल में, आइए भैया। पड़ता कहाँ? ये लंडोर मार्केट घंटा घर के नज़दीक। अच्छा जी, ठीक है भैया। और भैया भाई बिल बना है कुछ 5200 रुपये का, यहाँ पे हमने 3 दिन स्टे करा है, वो भी पीक टाइम में, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, वो भी खाने के साथ। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है यहाँ से। तो भाई सीन कुछ ऐसा है अभी कि आए तो थे अपना अलग और जा रहे हैं पहाड़ी बन के, दिल जीत लिया यार, लोग भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो भाई हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है अब घर के लिए, हो गई भाई। तो भाई कल बाइक चला चला ये हाथ दर्द हो रहे हैं अभी तक, तो ये ग्रिप पकड़ने में अभी तक हाथ में पेन है थोड़ा थोड़ा। तो भाई भी बज रहा है सुबह के 8:25 और 875 किलोमीटर पे अभी हम हैं और टेम्परेचर है 1-2 डिग्री के आसपास। बाय बाय मसूरी, बाय बाय मसूरी। तो भाई हम चल रहे हैं देहरादून की तरफ और ये खूबसूरत वादियों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो क्या दिल भारी भारी सा हो रहा है जाने में? क्यों भाई, जितना नीचे उतरते जाएंगे दिल भारी सा होता जाएगा, लेकिन घर भी जाना ज़रूरी है, बस इसी उम्मीद में जा रहे भाई, फिर से जल्द आना है। तो भाई नज़ारे कुछ ऐसे हैं अभी, देहरादून 20 किलोमीटर है यहाँ से और देहरादून में हमें रुकना है 5-10 मिनट के लिए। फिर सूर्य देवता आ गए हैं, बस ऐसे ही चमकते रहिए और हमें पहुँचा दीजिए। तो उम्मीद यही है कि रात 12 बजे तक यार पहुँच जाए हम लोग। तो भाई हम आ गए क्लॉक टावर पे और ये रहा जूस। तो भैया अपना एक सब्सक्राइबर, चलो भाई मिलते फिर हैं, चलो भाई ठीक है धन्यवाद। तो भाई अब हमारा सफ़र होता है कानपुर की तरफ। तो भाई मैंने निकलते टाइम स्टोरी डाली थी कि मैं मसूरी से निकल रहा हूँ, तो देहरादून में हमें एक सब्सक्राइबर ने पकड़ लिया, तो उसी से मिलने में थोड़ा टाइम हो गया। खैर अब तो निकलते हैं कानपुर की तरफ, रास्ता साफ है, दिखा रहा है अभी 12 घंटे। भाई जब हम लोग आए थे ना तो उस टाइम रात के 10-11 बज रहे थे, तो पूरा अंधेरा था, तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि कैसी रोड है, क्या है, क्या नज़ारा है, बस ये समझ में आ रहा था कि हाँ पेड़ है आसपास। लेकिन अभी लौट रहे भाई तो समझ लो क्या ही कहे। देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आपका हार्दिक धन्यवाद।
भाई तो हम ही लोग इस रोड से जा रहे हैं सहारनपुर की तरफ। हम लोग सहारनपुर से होकर आज कानपुर जाएंगे। पहले हम लोग जब आए थे तो हरिद्वार से होते हुए आए थे। रास्ता तो बहुत ही अच्छा ही है, रोड भी बिल्कुल चमाचम, और अगल बगल ऐसी वादियाँ हो और हाथ है मोटरसाइकिल, तब तो मज़ा ही अलग है भाई। मज़ा भाई फुल थ्रॉटल चल रहा है यार, फुल थ्रॉटल में है भाई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मस्त चल रही मस्त भाई। बहुत दूर से देख लिया हमने पेट्रोल पंप को, क्योंकि हमसे ज़रूरत बहुत ज़्यादा है अभी। रिजर्व में आ गई थी गाड़ी 30-40 किलोमीटर पहले, तब से दिख नहीं रहा था कोई, क्योंकि पहाड़ी एरिया था वहाँ पे, कुछ नहीं दिखा। फुल कर दो, 1350 का फुल हुआ। ये लो भाई पीछे कर ले भाई, करानी ज़्यादा ज़रूरी है, बचत लंबा सफ़र है। इसको नीचे दबा दे, अभी हमने पेट्रोल भरवा लिया पूरा फुल, और साथ ही साथ एयर भी चेक करा दी है, एयर ठीक थी, और इंजन ऑयल पूरा रिप्लेस करके नया ही डलवा दिया है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं कहीं मेरा इंजन ऑयल ख़त्म हो गया है, क्योंकि सर्विस जब करते हैं ये लोग तो पता नहीं क्या कर देते हैं, इंजन ऑयल आधा तो गायब कर देते हैं उसमें। मुझे जहाँ मिला था मैंने करवा लिया अपना, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई ये जगह है बिहारीगढ़, जहाँ भी हम रुके थे, किलोमीटर कंटिन्यू चलाने के बाद सोचे चाय वाय पी लें, अरे ब्रेड पकौड़े भी आ गए, चलते भाई। तो अभी मिल गए थे कुछ लोग, पूछ रहे थे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये लोग इटावा के थे, सब्सक्राइब भी करा हमारे चैनल, वीडियो भी देख रहे थे बैठ के अभी, तो पूछ रहे थे आपने वीडियो नहीं डाला, तो मैंने बताया भाई अभी मैं जा रहा हूँ घर जाके वीडियो डालूँ, मतलब जो आप ये वीडियो देख रहे हो कि मैं पहुंच के अपलोड करूंगा, क्योंकि इतना टाइम गैप मिला नहीं है कि मैं अपलोड कर पाऊं वीडियो को। दादा दादा इतनी पुलिस क्यों है यहाँ पे, इतनी पुलिस क्यों है यार? ओ अच्छा, पीएम और सीएम दोनों साथ में आ रहे हैं, इसीलिए पुलिस खड़ी है भाई। मैं सोचूं यार इतनी पुलिस क्यों खड़ी है यहाँ पे, कोई बात हो गई क्या? भाई इस टाइम अपनी हालत ये हो रखी है, हम लोग चला के आए अभी अप्रोक्स 350 किलोमीटर, तो इतने में हम लोग की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि जब आए थे तब बात अलग थी, तब बिल्कुल हम लोग फ्रेश थे दिमाग से, और लौटते में जा रहे थे, इस टाइम हो गई है थकान, वो भी बहुत बुरी वाली। अभी जैसे बीच बीच में आलस आ जाता है ना, तो करते क्या है बाइक रोक के खड़े हो जाते हैं तो 4-5 मिनट, फिर अपने आप फिर चलने लगते हैं, तो ठीक रहता है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आलस आए तो आप बाइक रोक के किनारे लगा दो। और ये रोड भी हम लोग आ गए अभी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे, जो मेरठ से हमने टच करा था, और ये हमें सीधे गाजियाबाद निकालेगा, क्योंकि भाई नॉर्मल रोड पे चलो तब कमी महसूस होती है एक्सप्रेस वे की, क्योंकि एक्सप्रेस वे तो यार एक्सप्रेस वे होता है, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम कर देता है, और इस एक्सप्रेस वे पे आपका कोई बाइक का टोल नहीं लगता है, यमुना एक्सप्रेस वे पे तो टोल ले लेते हैं वो लोग। तो अभी शाम का टाइम हो गया 5:08, और भूख भी जोरों की लग रही है, तो थोड़ी देर बाद रोकेंगे, कोशिश करेंगे दिन जितनी खींच पाएंगे उतनी गाड़ी खींच लेंगे, जैसे दिन ढलेगा शाम आ जाएगी, नहीं रोक के कुछ खा भी लेंगे, क्योंकि दिन ही में कवर कर सकते हैं यार तेज में, रात में तो इतनी देर नहीं भगा सकते हैं। भाई तो हम गाजियाबाद से सीधे अलीगढ़ तक चलते आए नॉन स्टॉप, मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया हम लोग को चलते चलते, 2 घंटे हो गए कंटिन्यू, पर हम लोग रुके नहीं अभी तक, क्योंकि जा रहे थे पूरा कवर कर लेंगे, और अब तो हो ही गया है, देख रहा आप लाइट जल रही है, तो सोच रहे चाय पी ली जाए, तो क्या बोलती है पब्लिक, चाय पिए कि नहीं पिए? तो अभी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने हमारा स्वागत किया है, अब अलीगढ़ में रुकना तो बनता है यार, तो अलीगढ़ ही में रुकेंगे अब, ठीक है, अलीगढ़ की चाय पियेंगे यार, देखते हैं अलीगढ़ की चाय में क्या बात है।
भाई मैं तो होटल नहीं, मैं स्ट्रीट की चाय ढूंढता हूँ, ढाबे वाली। ढाबे वाली चाय का मज़ा भाई अलग है, और अगर कुल्हड़ वाली मिल जाए तो भाई मज़ा आ गया। किसको किसको कुल्हड़ वाली चाय पसंद है भाई बता दे यार मुझे। कुल्हड़ वाली चाय दो भाई, कुछ सीन ऐसा है भी लग रही थी भूख चाय के बाद, अभी खा ले रहे हैं भाई। रात के 7:15 बज रहे हैं, अभी बचा है सफ़र 300 किलोमीटर का, तो हमने चाय नाश्ता खाना सब कुछ कर लिया है, क्योंकि अब हम रुकेंगे सीधे कानपुर पर। अंधेरा देखो किस लेवल पर अंधेरा है, ये तो गौरतलब है मैंने ये लाइटें लगवाई हुई हैं अलग से आफ्टर मार्केट, नहीं तो क्या होता मेरा मैं ही जानता हूँ भाई। लाइटों के बाद भी सामने दिख रहा, और शीशा खोल के चला नहीं सकते, उसका रीज़न ये है कि ठंडी हवा लगेगी मुँह पर। तो और दूसरी चीज़ ये है कि शीशा खोल के चलाने में रिस्क ये रहता है कीड़े चले जाते भाई आँख में। अभी मैंने थोड़ी देर खोला था दोपहर में, तो दोनों बार यही हुआ मेरे साथ, तो मैंने फिर कहा भाई जो भी हो जाए शीशा नहीं बंद करूँगा। भाई दूर दूर तक कोई बाइक नहीं दिखी है, बस हम ही लोग हैं जो हैं। रोड खराब है, हाईवे बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। टेम्परेचर बहुत गिर गया है, तो रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए। आग दिख गई थी भाई, आग का ही सहारा था इस टाइम। कोई नहीं, टाइम बढ़ते ही जा रहा है पहुंचने का अपना। जी रोड पे पूरा सन्नाटा हो चुका है, रात को बज रहा है 10, पूरी बॉडी में कहीं ठंड नहीं लग रही है, बस पैरों पर ठंड लग रही है। हम सुबह 8 बजे चल रहे हैं, अब रात के 10 बज रहे हैं, अभी भी 200 किलोमीटर बचा हुआ है। एक भी बाइक पिछले 2 घंटों से नहीं दिखी है। बाइक तो भाई बहुत दूर की बात है, यहाँ से दूर दूर तक कार नहीं दिखाई दे रही है कोई, पर क्या करें भैया, जब सर पे जुनून सवार हो ना तो कितनी भी दूरी पास करने लगती है। तो भाई रात में हेलमेट बंद करके बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है भैया। 1500 किलोमीटर कंप्लीट हुए अपने 3 घंटे में, 200 किलोमीटर कंप्लीट किए। भाई ठंड कम थी क्या, जो कोहरा भी हो गया है। अभी बज रहा रात के 1:33 और हम पहुंच गए हैं अपने शहर। ब्रो यो ब्रो, अपना शहर आ गया, IIT कानपुर है ये, और ये IIT कानपुर का मेट्रो स्टेशन है जो अभी नए बना है भाई। वाह, ये जी अभी बज रहे हैं 2:22, इसको रात के कह लो या सुबह के, और ये 17-18 घंटे का सफ़र कुछ चंद पलों में ख़त्म होने वाला है। अब मैं सामान से ओवरलोड हूँ, ठंड से कांप रहा हूँ, और ये माँ इंतज़ार कर रही है बाहर। हाँ मम्मी। तो भैया जी आ गए हम अपने घर अपनी मम्मी के पास, तो अभी करते हैं ब्लॉग को एंड। कितने घंटे से गाड़ी चला रहे हैं? 18 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं सोने, और आज के लिए इतना ही। अब मम्मी से मीठी मीठी बातें करेंगे, आपसे कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? Back.